ये दे दे, ले चल लाना। हेलो, इंस्पेक्टर प्रमेश स्पीकिंग। हेलो सर, मनी के लड़के लोग रिजवान असलम पर हमला करने वाले हैं सर। कहाँ पर हो रहा है? चमनगंज सर। तुम कौन बोल रहे हो? सर मेरा नाम राजू है। ये बात अगर झूठ हुई ना तो तुम मुझे जानते हो ना? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, सच में। चमड़ी उधेड़ दूंगा। ए, भाग मत, रुक जा, शूट कर दूंगा। ए! कानपुर जैसे छोटे शहर में अब वातावरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के कारण है इंस्पेक्टर रमेश। पिछले 2 सालों से कानपुर में मनी भाई का नाम सुनते ही पूरा डिपार्टमेंट डर से कांप जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है क्योंकि इंस्पेक्टर रमेश जब से आए हैं वो मनी भाई के लड़कों को एनकाउंटर में मार गिराकर नक्शा ही बदल दिया। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी क्या राय है। हम देखते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। आजकल इंस्पेक्टर रमेश मनी भाई के लड़कों को एनकाउंटर में मार गिरा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या राय दें, इंसानों को डरा धमका कर लूट रहे थे, ये किसी जिंदगी है? इससे अच्छा है कि गुंडों को भीख मांगकर खाना चाहिए। अभी तक इनकाउंटर हुआ है, अभी मनी के साथ 600 लोग और हैं, सबको मार देना चाहिए। उसमें पहले मनी को मार देना चाहिए, तब जाकर कानपुर के लोग सुकून से जी सकेंगे। मनी के नाम से सारा कानपुर थर्राता है। जब से ये पुलिस वाले आए हैं कानपुर के लोगों में, तब से जान आई है। देखा ना दर्शकों, कानपुर अब कितना बदल चुका है। इसका कारण है इंस्पेक्टर रमेश। ऐसे ऑफिसर कानपुर में रहना ही चाहिए। आगे क्या होगा इसका हम इंतजार करेंगे। मैं कैमरामैन धनुष के साथ शोभा, TV9 कानपुर। hey मनी, उधर क्या कर रहा है तू? मेरा नाम सुनते ही जो लोग डरते थे वही लोग अपन के खिलाफ टीवी में, अखबारों में पागलों जैसी बातें फैला रहे हैं। पॉलिटिकल में, पब्लिक में, पुलिस में हमारा डर कम हो रहा है। फिर से डर पैदा करना है। टीवी में, पेपर में, वी न्यूज में ये खबर हमें दिखानी है। नहीं हुआ तो तू अपन को जानता है ना भाई, पुजारी भाई। चाहता था ना तू? हाँ, मनी मरता नहीं, मारता है मनी। मनी मनी, मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। मनी, कल अगर उसने मेरे खिलाफ गवाही दे दी तो मेरा जेल जाना तय है। वो कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। उससे मेरा क्या फायदा? 10 लाख हार्ड कैश। कल वो कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा, तुम बिंदास घर जाओ। थैंक्स मनी। हेलो, यस, ठीक है, आ जाऊंगा। ठीक है। पापा को टाटा। बाय बेटा, बाय। पूजा, पानी लाओ।
पूजा सुबह थोड़ा जल्दी उठा देना। ठीक है। तुम मणि, तू यहाँ क्यों आया है? तेरी इतनी हिम्मत तू यहाँ चला आया? मेरी बात मान, सरेंडर हो जा वरना शूट कर दूंगा। सरेंडर कर दूं मैं? बदन पे खाकी वर्दी और हाथ में गन पकड़ के मर्द बन गया? टीवी और पेपर में तेरा फोटो आ गया तो तू बड़ा हीरो बन गया? मणि 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 के सामने कोई खुश नहीं है। अरे क्या हो, क्या हो, कौन है, क्या हो? गन नीचे रख दे, ये तो सही नहीं कर रहा है, गन नीचे रख दे। कौन है? क्या हो गया हमारे डिपार्टमेंट को? एक ड्यूटी ऑफिसर को जान से मार डाला? डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। तुम लोग खुद अपने आप को बचा नहीं सकते हो तो फिर राजनेताओं और जनता की हिफाजत कैसे कर पाओगे? टीवी वालों और प्रेस वालों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हम लोग अपना काम सही से कर रहे हैं सर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ही खराब है सर। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, ये कैसी बात कर रहे हो? दिन रात एक करके हम जान की बाजी लगाते हैं सर, ये सब आपको नॉनसेंस लग रहा है सर? ऑफिसर, आप क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। सर, राउडीज्म, गुंडागर्दी, लैंड माफिया, वेश्यावृत्ति, खून वसूली, अत्याचार, गैंग वॉर, इस सब के पीछे राजनेताओं का ही हाथ है सर। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सर। किसी को मार गिराने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर भी हम लोग कानून के दायरे में रहकर एक्शन लेते हैं तो हमारे बाल बच्चों को जान का खतरा रहता है। ऐसे में हम डिपार्टमेंट में रहकर क्या कर सकते हैं सर? सर, पहले एक इलाके में एक भाई होता था, लेकिन आजकल हर गली हर नुक्कड़ में भाई लोग पैदा हो गए हैं सर। छोटी सी उम्र में चाकू लेकर घूम रहे हैं सर। लड़के आजकल पढ़ाई की जगह खून खराबा कर रहे हैं। संस्था के नाम पर लाखों रुपए लूट रहे हैं सर। छोटी मोटी गली के गुंडे आजकल भाई बनकर पंडरों को पाल रखा है सर। ऐसे लोगों को मार गिराने के लिए सांगली या शिवराम, अशोक कुमार, आलोक कुमार जैसे जाबाज ऑफिसर चाहिए सर। ऐसे ऑफिसर यहाँ पर आएंगे तो ही इन गुंडों को मार गिरा सकते हैं सर। ओ, आई सी, तो ये आप लोग का प्रॉब्लम है। कानपुर में जो राउडीज्म चल रहा है उसको खत्म करने के लिए मैंने पहले ही सीएम साहब से बात करके एक जाबाज ऑफिसर को अपॉइंट किया है। वो कौन है सर? डीसीपी गंगा। गंगा तो अभी चुनी हुई ऑफिसर है सर। जी हाँ, क्यों? नया ऑफिसर इस केस को कैसे हैंडल कर पाएगा सर? इससे पहले जितने भी जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो सबको 6 महीने के अंदर ब्रेक कर चुकी है। यंग एंड एनर्जेटिक गर्ल, 2010 आईपीएस बैच नंबर 405, द बेस्ट एथलीट, द बेस्ट किक बॉक्सर, बेस्ट फाइटर एंड ऑल्सो शार्प शूटर। सब मिलाकर मैं कहूँ तो सारी विद्या सीखी हुई एक शेरनी है गंगा। वो ड्यूटी कब से ज्वाइन कर रही सर? शी इज ऑलरेडी ऑन ड्यूटी। अच्छा मेरी भाई, बॉम्बे का कह के तुम विदेश लड़की बॉक्सर बुलाई है, उसके एक लात से मेरी हड्डी तो क्या, नसों में खून का दौड़ना भी बंद होता जा रहा है। Oh, 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 oh
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ए लड़की को क्या तुमने बिकने वाला फल समझ रखा है? जो कोई छक्कर फेंक देता है। चल औरत क्या चीज है मैं तुझे बताती हूँ। मनी एलियास मनीकांड, 15 मर्डर, 12 किडनैप, मटके का धंधा, ट्रैवल, इन सब जगहों का हफ्ता वसूली करना, उसका नाम सुनते ही कानपुर में जो राउडिज्म चल रहा है उसको धूल चटाने को, इसके पीछे मोस्ट पावरफुल नोटोरियस हैंड, उसको मार गिराना इतना आसान नहीं है। इन सब का एक बड़ा बाप है। वो कौन है सर? पुजारी भाई, ये बहुत बहुत चालाक है। वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कब आता है, ये किसी को आज तक नहीं मालूम। उसको हम लोग हर जगह तलाश कर रहे हैं। वो कहीं एक जगह बैठकर सिर्फ फोन के जरिए वो करोड़ों का धंधा करता है। ऐसा क्रिटिकल केस को हैंडल करने के लिए ही मिस गंगा को स्पेशल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है। मिस गंगा, तुमको ये एरिया वो एरिया ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तुम्हारे सारे सीनियर्स तुम्हारे मदद के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि तुमको सीएम के तरफ से अपॉइंट किया गया है। तुम इस केस को सक्सेसफुल तरीके से हैंडल करोगी, ये सिर्फ मुझे ही नहीं हमारे पूरे डिपार्टमेंट को विश्वास है। थैंक यू सर, आपने जो विश्वास किया है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। ये कीड़े मकोड़े चाहे किसी भी बिल में घुसे हो, मैं उसे खोद कर निकाल कर उनके साथ पुजारी की भी चिता जलाऊंगी। माई टारगेट इज टू किल दैट पुजारी। All the best. Thank you, sir. Bye, पुजारी भाई। ठीक है, मतलब की बात कर। ए रफीक, तू अपनी जबान से मुकर गया है। 50 लाख अभी तक नहीं पहुंचा है। जुबान से पलटोगे, ये भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपुन ने जिससे भी वादा किया है वो अपुन ने जिंदगी में निभाया नहीं, समझा क्या? ए ए ए रफीक भाई, पुजारी भाई। ए पुजारी, मंदिर में जाकर घंटी बजाने के बजाय तू वहाँ क्या कर रहा है? ए ए रफीक, हिम्मत है तो तमंचा लेकर सामने आबे। साले, मैं या तू आजमा कर देख ले। पुजारी के सामने ज्यादा मत बोल, काट डालूंगा जबान, काट डालूंगा। अरे रुक, रुकना, किधर जाता है? अरे रुक रुक, अरे भागता किधर है? क्या बोतल है? अरे सुन बच्ची, क्या हुआ? पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो क्या? हम क्यों खेल खेलेंगे सर, इसने हमारे साथ क्या क्या किया आपको पता है? हम लोग हिंदुस्तान में पैदा होकर इंडिया में जीना मुश्किल हो गया है हम सबका। तुम लोगों की यहाँ क्या इज्जत है ऐसा कहा? इसलिए इस धरती में पैदा होकर जीने के लिए भीख मांगने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा कर तुम लोगों की संस्था बना कर लोन के साथ साथ सब्सिडी करवा कर दूंगा। ऐसे कहकर हम सबसे 10,000 रुपया लेकर 10 महीना हो गया है सर, तब से ये फरार हो गया है। ए, क्या कह रहे हैं ये? हाँ ऐसे लोगों का पुलिस स्टेशन में वर्कआउट नहीं होता। ठीक है ठीक है साहब, ठीक है ठीक है। पब्लिक के जूते चप्पल ही इसका इलाज है। नहीं नहीं साहब, ये क्या कर रहा है? ए सेठ, घर में बच्चा नहीं दिख रहा है तो घबराहट हो रही है क्या? डोंट वरी सेठ, तुम्हारा बच्चा हमारे पास सेफ है। उसी सेफ्टी के साथ बच्चे को वापस लेने के लिए तू मुझे 25 लाख रुपए लाकर देगा। तब जाकर तेरा बेटा तेरे पास सेफ्टी के साथ पहुंच जाएगा। अगर तूने पैसा नहीं दिया तो वो वापस तो आएगा लेकिन जिंदा नहीं, मरा हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मुझे मेरा बच्चा चाहिए भाई, तुझे जो चाहिए मिल जाएगा। ए सेठ, पुलिस के पास जाने का अंजाम जानता है ना, समझ गया ना? मनी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उसे कुछ मत करना, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल सुबह 10 बजे फॉरेस्ट के पास बाल ब्रिज के पास आ जाना। हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठीक है भाई। ए शूट कर दूं क्या? नहीं। तेरा बाप आएगा ना? हाँ।
सेठ, पैसा लाया है ना? हाँ लाया भाई। है ना? मेरे बेटे को छोड़ दो भाई, बेटे को छोड़ दो। आ आ बेटा, आ जा। पसीना बहा कर दो पैसा कमाने में तुम लोगों को क्या तकलीफ है? हराम की कमाई खा रहे हो हराम खोरो। 25 लाख, 25 लाख चाहिए तुम लोगों को, ये लो। वजन में 3 किलो मांस नहीं है और किडनैप करने चले हो? हाँ किडनैप करने। पूजा, ए पूजा, देखो कौन आया है, मेरे बेटे के साथ पैसा भी आया है। पूजा, पूजा, अरे पूजा को क्या हुआ? अरे पूजा, अरे पूजा, वेलकम सेठ, वेलकम। भैया भैया, बच्चे के साथ पैसा भी सेफ हो गया क्या? नो चांस। भैया आप इधर। भैया मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। गलती करने वालों को भगवान सिर्फ एक बार माफ करता है, लेकिन ये मनी, मनी कभी माफ नहीं करता। डबल कलेजा रखने वाला ये मनी, ये मनी के साथ डबल गेम। हाँ, तेरे जैसे कितने लोगों को मैं देख चुका हूँ। नहीं नहीं भाई, तुझे कितना पैसा चाहिए बताओ, मैं उतना दे दूंगा भाई, मुझे माफ कर दो भैया। जो कटोरा लेकर आते हैं वो चिंदी चोरी करते हैं, ऐसा मैंने सुना था और आज देख भी लिया। अब तेरा क्या करना है तू बोल। नहीं भाई, नहीं भाई, मुझे माफ कर दो भैया, भैया, भैया। What a beautiful house, ब्याज के पैसों से बनाया है ना? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। क्या बात है, यहाँ का फर्नीचर बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या फायदा, सुख पाने के लिए तुम जिंदा नहीं रह पाओगे ना। पुलिस के पास जाकर तूने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे धोखा दिया है तूने। लो उसी पुलिस को फोन लगाओ, तुम्हें आकर बचाने के लिए। लो। यस सर, सर्च कर रही हूँ। ओके सर, थैंक यू। हेलो, कौन? मनी, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मनी। मेरे लड़कों को छोड़ दो वरना। नहीं छोड़ूंगी तो क्या कर लेगा? सुन, यहाँ पर चुपचाप कोने में दुम दबा कर बैठ जाओ तो अच्छा होगा, नहीं तो एनकाउंटर करके तेरी तस्वीर पर माला चढ़ा दूंगी। चुपचाप फोन रख। डीसीपी, आवाज नीचे और कम ही बोलो, अगर मनी की सटक गई ना तो तेरा मर्डर हो जाएगा। ए इडियट, तुमने जिस आदमी को बचाया है मैं उसकी यहाँ पर बलि चढ़ा रहा हूँ, हिम्मत है तो आकर बचा लो उसे। शिट। ए सेठ, जिंदगी के साथ मौत का भी साया होता है, ये तुम्हें नहीं पता था? आई एम सॉरी, जो मेरे साथ डबल गेम करता है मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगा। डबल गेम करता है, डबल गेम। दीदी दीदी, 1 रुपया दो ना। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? काव्या। ऐसे भीख मत मांगो। ठीक है दीदी। ए चलो भाई, काहे डरते हो, मैं हूँ ना, चल अंदर, चल चल अंदर चल, क्यों डरता है, चल ना। ये क्या, आज भी फिर पीकर आ गए तुम? हाँ, घर में एक दाना खाने के लिए नहीं है तुम्हें, पता नहीं है? अरे पता है बाबा, इसीलिए तो इन लोगों को लेके आया। क्या है, कौन है ये लोग? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो इन्हें अंदर लेके जा। मैं इनको अंदर लेकर क्यों जाऊं? मैं तो उसे कह रहा हूँ ना, इन लोगों को अंदर लेके जा। ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो तुम, क्या आंखों से अंधे हो? मैं इनको अंदर क्यों लेकर जाऊं? वो इसलिए कि मैंने इन लोगों से पैसा लिया है, पैसा पैसा। तुम्हारी जिंदगी पर लानत है, मर्द होकर इस तरह की बातें करते हो, शर्म नहीं आती? इज्जत से इनको यहाँ से लेकर चले जाओ, तेरी मर्दानगी पर। ऐसे कैसे चले जाए, काम पूरा करके जाएंगे, चल ना उसे बुला, बुला ना, बुला। क्या है, क्या है ये, क्यों इन्हें अंदर लेकर आए हो? पैसा, पैसा दिया हमने। भाई साहब, मैं वैसी औरत नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाइए भाई।
क्यों चले जाए? तेरे पति पीने के लिए हमसे 5,000 रुपए लिए हैं, वो कौन चुकाएगा? वो तो नहीं देगा, तू ही आजा, आजा मेरी बुलबुल, आजा मेरी रानी, आजा आजा। ये देख, एक कदम भी आगे अगर बढ़ाया तूने, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तेरे घर में माँ बहन नहीं है, निकल यहाँ से, मार दूंगी पापी, इज्जत से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों की लाश यहाँ पे गिरा दूंगी। वैसे ला भड़ुए की औलाद, कहता कुछ और है करता कुछ और है। अरे पापन, 5,000 रुपया था ना, तूने उसे भी गवा दिया, जो हाथ में आया उसको भी मुंह तक पहुंचने नहीं दिया। ये लो बेटा, सन गॉड, मून गॉड, अर्थ गॉड, तुम तीनों ही ओरिजिनल भगवान हो। तुम तीनों को मानकर मैंने गाड़ी खरीदी है, आशीर्वाद दो भगवान। और ग्राहक देवता, आप ही मेरे परम पूज्य देवता हो, आप इस गाड़ी को आशीर्वाद दो, बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। नजर उतार लो, नजर उतार लो, नजर उतारने का धागा बंधवा कर बुरी नजर से बचो। गाड़ी के सेंटर में एक AC बैठा दिया तो कूल हो जाएगा, गाड़ी भी सेफ और मैं भी सेफ। यस, नई गाड़ी है तुम्हारी? यस, माई ओन व्हीकल। ड्राइवर कौन है जी? इस न्यू व्हीकल का ओनर और ड्राइवर मैं ही हूँ, और ये है मेरा आगेकारी क्लीनर। नमस्कार मैडम। खुशी की बात है जी, खुशी की बात है, तुम्हारे हर कदम पर कामयाबी आसमान छुए। अपनी कामयाबी के लिए ये गणपति की तस्वीर इस गाड़ी में लगा दो। गणपति का फोटो, प्रेटी गर्ल, इसे रखो। तुम्हारी छोटी सी बॉडी का कोई नाम है क्या? मेरा नाम सुंदरी है। जरा यू टर्न ले लो। आई एम सॉरी सुंदरी, मुझे भगवान पर तो विश्वास है, लेकिन भगवान का फोटो इस गाड़ी पर लगाने से कामयाबी मिलेगी इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। मेहरबानी करके तुम्हारी छोटी सी बॉडी को मेरी गाड़ी से दूर रखो, समझ में आया? सुंदरी हटो यहाँ से। ए, रास्ता साफ करो, मैं जल्दी में हूँ, समझ में आया? ए, रुक 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 रुक, तुम्हें विश्वास नहीं है ना? तुम्हारे जैसे कहने वाले लोग मैंने कई देखे हैं। तेरे आगे क्या होगा, मैं जिंदा रही तो जरूर देखूंगी। ए छमिया, मेरे इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा भी तो तेरी बुलडोजर जैसी बॉडी से टकराने से होगा, समझ में आया? चल निकल यहाँ से। ए, रुकना, ए, 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 रुकना। ए मनी कहाँ है, बता बता। नहीं बताओगे तो जान से मार दूंगी। डीसीपी, तू कितना भी मार ले तो इस जन्म में मनी से कभी नहीं मिल पाएगी। ऑफिसर्स, इसे कुछ भी खाने पीने मत देना, भूखा ही मरने देना। ओ भाई, एक स्ट्रॉन्ग टी पिलाओ, एक स्ट्रॉन्ग टी। अम्मा साहब, ये मेरी एकलौती पत्नी है साहब, इसकी डिलीवरी होने वाली है साहब। हाँ, इसके गले में सोने का मोटा चेन है। कोई भी हमें लिफ्ट नहीं दे रहा है सर, कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा है। तुम बड़े दिल वाले हो, मेरी पत्नी को हॉस्पिटल तक पहुँचा दो प्लीज, भगवान आपका भला करेगा सर। हाँ बेटे कारिया, मुझे लगता है ये चोर है, मैं नहीं जाऊँगा। ए तुम जाओ भाई। सर तुम देखने में रहम दिलवाले लग रहे हो सर, तुम्हारा चेहरा हमारे जॉनी लिवर से काफी मिलता जुलता है सर, तुम चेहरे से बहुत दानवीर लगते हो सर, सर हमारी मदद करो ना सर। अरे भाई, इस प्रेग्नेंट औरत को मैं अपनी गाड़ी में कैसे चढ़ाऊंगा भाई? साहब ऐसे उठाकर चढ़ जाऊंगा साहब। तो हिंदी फिल्म गर्मा में दिलीप कुमार अपनी महबूबा को जैसे उठाता है वैसे उठा लिया। प्यार है साहब, प्यार है। हाँ, ये ओवर प्यार करने की वजह से इसका ये हाल हो गया है। जाओ जाओ बैठाओ, गाड़ी में बैठाओ, जाओ जाओ जाओ, संभाल के बैठाना, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे संभाल कर बैठाना, एम्बुलेंस की स्पीड से ले जाता हूँ, देखो जरा। Oh.
ये ठंडी हवाएं, ये खूबसूरत नया लोकेशन, दौड़ती हुई लॉरी, ओ हवाएं, हाँ हाँ, पुलिस का कोई डर नहीं, मेरी माँ की कसम, 5 स्टार से भी ज्यादा सॉलिड है ये इंतजाम, है ना टीना? बस बहुत हो गई तुम्हारी रामलीला, अब रासलीला शुरू करो। अरे कितना दूर तुम्हारा अस्पताल? बस तुम इस तरह सीधे चलते रहो, आगे देखते रहो, तुम्हें सामने नजर आ जाएगा। अरे बच्चा यहाँ होगा कि अस्पताल में होगा, किसको पता। अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा है मेरी गाड़ी में? बहुत बढ़िया है। हाँ? बहुत बढ़िया है? अभी भी 20 मिनट बाकी है। क्या मतलब? मेरा मतलब अभी डिलीवरी के लिए 20 मिनट बाकी है, इसीलिए तो मैं इतना जल्दी चला रहा हूँ। ए गाड़ी ऐसे हिल क्यों रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ? मैं क्या कर रहा हूँ, तू उधर मत देख, अपनी गाड़ी चला। हाँ? क्या ए? आ! ए, गाड़ी रोको। क्या बात है, इतना घबरा क्यों रहे हो, ये बताओ गाड़ी में क्या है? वो एक केस है। कैश है? हाँ। चलो मुझे देखना है। सर 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 रुको रुको रुको। क्या हुआ? मैं आता हूँ आपके साथ में। हाँ, बस एक मिनट सर। बताओ। आइए सर, आइए सर, ये देखिए बेचारी पेट से है सर। हाँ देखिए देखिए सर बेचारी पेट से। क्या है ये सब? सर बुद्धू बना ली सर, भाई पेट वाली औरत पीटी उषा की तरह दौड़ रही है सर, ये कैसे हो रहा है सर? वो सब छोड़, ये बता बॉटल, चिप्स, अगरबत्ती, शराब, ए मरवा दिया, ए मोटे की औलाद तूने मुझे इस तरह से फंसा दिया। सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था सर, इस मोटे ने किया है। पता लगा लिया बाबा? क्या सर? मैंने पता लगा लिया, दारू का कनेक्शन। दारू का कनेक्शन? कौन सा कनेक्शन साहब? ए मोटे तू कहाँ है मोटे? मोटे की औलाद, काला गेंडा भैंसा आ रहा है सर, वो देखो इधर आ जा, इधर इधर काले गेंडे मोटे आ जा, देखा साहब काले गेंडे की तरह दौड़ रहा है, आ जा आ जा आ जा। वो देखो साहब आ गया ये, आओ 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 आओ, ए आ जा आ जा आ जा आ जा, जल्दी आ जल्दी जल्दी। मैं क्या करूं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली डिटेल में साहब को बता दे। चल बता। हाँ सर, गवर्नमेंट हॉलिडे की वजह से शराब की सारी दुकानें बंद रहेंगी, इसलिए आज के कोटे के साथ कल का कोटा भी ले जा रहा था सर। ये कल के लिए हाफ बोतल साहब, ये नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊंगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, जाने दीजिए। कनेक्शन वाला मोटे हमें गाड़ी में बैठाई क्यों साहब, इसकी अच्छी खासी इंक्वायरी कीजिएगा, मैं चलता हूँ, बाय। अरे मार डाला रे अम्मा, मार डाला रे, बचा ले, अम्मा मर गया, मैं मर गया, जिंदा नहीं रह पाऊंगा मैं। ए भगवान के सही धुलाई करते हो तुम लोग भैया। रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद मेरे घर में आ जाना, तुम्हारी जेब में क्या है देख लूंगा मैं। और चाहिए? चलता हूँ गुरु। ठीक है गुरु। हे भगवान, मेरी गाड़ी का टायर गायब है। ए, तेरी गाड़ी बच गई, इतना ही शुक्र बना, चल जा। ए इधर देख, उधर देख, वो साइकिल में 2 लोग आ रहे थे, उसे उठाकर अंदर डाला, अब उसका क्या हाल है देख। सिर्फ बील है, उसकी किस्मत में उतना ही था। अब मैं क्या करूं? धान में सबसे शेष धान क्या है बताओ? अन्न धान? नहीं, सौ धान। अरे रे 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 रे, इसका मतलब मेरी गाड़ी का व्हील गया। ऑफिसर्स। यस मैडम। मुझे मनी के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, कलेक्ट करो। मैडम मनी के बारे में हमसे ज्यादा हमारे रिटायर्ड ऑफिसर आचार्य जी को ज्यादा मालूम है। सिद्धार्थ जी। हाँ मैडम। आई सी। सिद्धार्थ जी इस वक्त कहाँ मिलेंगे? सिद्धार्थ जी, मनी कौन है, वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे कौन कौन है? कोई भी पुराने रिकॉर्ड्स में उसका नाम नहीं है। आजकल उसका आतंक बढ़ गया है, मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। जैसा आपने कहा, पुराने रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा बन जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था मैडम। Yeah.
तुम इधर घर है साले जा रहे पकड़ पंडित कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो प्लीज कह दो देखो अगर तुमने नहीं कहा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी इस संसार में कुछ भी ना होने पर भी जी सकते हैं लेकिन प्यार बिना जी नहीं सकते पंडित प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी क्या हुआ बेटी हाँ हाँ ओ गॉड कहीं छुप जाओ जल्दी छुप जाओ प्रिया क्या हुआ क्यों चिल्लाई प्रिया व्हाट हैपेंड क्या हुआ बेटी हाँ पापा कुछ नहीं बिल्ली आ गई थी इसलिए डर गई थी पागल बिल्ली से कोई डरता है क्या हिम्मत करके सो जाओ ओके पापा टेक केयर गुड नाइट गुड नाइट हाँ हाँ ए बाहर निकलो कौन हो तुम अगर तुमने नहीं बताया तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगी तुम बोल नहीं सकते हो गूंगे हो तुम्हारा टाइम अच्छा है मेरे पापा अगर देख लेते तो मेरा क्या हाल हुआ होता चलो जाओ यहाँ से जाओ 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 मैं ड्रामे का रिहर्सल कर रही थी कल के लिए सीन का प्रैक्टिस कर रही थी इस बिचारे को तो कुछ भी पता नहीं था फिर भी बचाने आ गया भले ही वो बोल नहीं सकता लेकिन उसमें इंसानियत तो है ए जल्दी जल्दी खेलना चल ला मैं खेलती हूँ चलो हम दोनों ही खेलते हैं नहीं दीदी मुझे जाना है देर हो रही है ठीक है चल चलते हैं स्टॉप स्टॉप प्लीज ए तुम हाँ हाँ मैं ठीक है वो रास्ते में एक बरगद का पेड़ है उसी के पास एक घर है वहीं पे छोड़ देना ठीक है बिठा दो चलो बैठो ए तू वही गूंगा तुम बोल कैसे रहो वो बहुत लंबी कहानी है चलो बैठो मैं नहीं आ रही इस बच्ची को लेकर जाओ बच्ची को छोड़ दूं मैंने तो सोचा था तुम आकर बैठोगी ए उतर नीचे उतर ये कहीं गाड़ी वाला ना आ जाए ए इस तरह क्या देख रही हो इसके चक्कर में मैं फंस जाऊंगा एक बार हेल्प कर दिया तो दोबारा हेल्प मांगने के लिए आ गई इस तरह उसके पीछे क्यों भाग रहे हो मिल गया तो उसका हाथ पैर तोड़ने के लिए हाथ पैर तोड़ने के लिए क्यों बाइक चोरी करके भागता है बाइक चोर है वो चोर है कौन हो तुम हाँ बताता हूँ बूढ़ी माँ आधी रात में हाथ में चाकू लेकर तुम्हारे घर में तुम्हारा पता तो पूछने ही आऊंगा मैं चोर हूँ चोर आया मुझे बचाओ चोर आया मुझे बचाओ ए
तुम हो चोर लफंगे रास्कल, तुम हमारे घर में क्यों आए? रुको मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ करो करो, अगर तुम्हें दादी की जान प्यारी नहीं है तो करो करो। नहीं बेटा, नहीं प्रिया, ये मुझे मार डालेगा। ठीक है मेरी दादी को कुछ मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं लाती हूँ। नहीं बेटा। ये सब तुम ले लो और तुम यहाँ से दूर चले जाओ। एक काम करो। क्या? ये सब ले जाकर श्रृंगार करके एक कप कॉफी ले आओ। हाँ वो मैं नहीं लाऊंगी। अगर नहीं लाओगी ना तो दादी गई। जाओ बेटा नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। ये लो। ओके सुपर। ओके क्या? ओके तुम ओके, मैं तुमसे लव करूं क्या? हाँ लव? मैं तुमसे लव नहीं करती। ये सब लो और यहाँ की जगह खाली करो। मुझे कैश कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। क्या है? प्यार करने के लिए। हो नहीं सकता। हो मुमकिन हो सकता है, वो सब ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेहरबानी करके यहाँ से बताओगी? बता रही हूँ। प्रिया। मैं मनी, तुम प्रिया, प्रिया मनी। सुपर है ना? पागल हो गए तुम? पागल हो गया हूँ जब से तुम्हें देखा है। हे भगवान, मेहरबानी करके यहाँ से जाओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन कल फिर आऊंगा। आई लव यू प्रिया। हाँ बाय। भैया दूसरी गली में तीसरा घर, बहुत बड़ी पार्टी है, मैं देखकर आया हूँ, बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ। नहीं यार। क्यों गुरु? कहा ना आज के बाद चोरी नहीं। अबे साला इसको क्या हो गया, ये तो बदल गया एकदम। उस लेक्चरर का लेक्चर क्या बोरिंग था, और अगर तू नहीं होती तो मैं सीधा अपने घर ही जाती। चलो अब चलते हैं। अरे अरे अपनी साइकिल कहाँ गई? अरे वो देखो चोर चोर, जल्दी आओ जल्दी आओ। ए साइकिल कहाँ है हमारी? कहाँ है हमारी साइकिल? ए पुलिस को फोन कर। साइकिल? कौन सी साइकिल? पुलिस को फोन करेंगे ना तो पता चल जाएगा कौन सी साइकिल। पुलिस को? करो करो, साइकिल नहीं मिलेगी, चिप्स मिलेंगे। तो साइकिल कहाँ है? मुझे क्या पता। तुम जैसे चोर को नहीं पता तो किसे पता होगा। ठीक है ढूंढ कर ला देता हूँ। तुम उससे शादी करोगी ना? हाँ। क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? तुमसे कौन शादी करेगा? जिससे मैं शादी करूंगी उसे चार लोग अच्छा कहेंगे। मेहनत करके कमाने वाला होना चाहिए। तुम जैसे चोर से कौन शादी करना चाहेगा? ए शादी करूंगी करके बोल दिए ना, मेरी साइकिल मिल जाएगी। तुम चुप रहो। हेलो एक्सक्यूज मी, वो साइकिल है ना तुम्हारी? अरे अब क्या करें? ए तू मेरा साइकिल क्यों लेके गई? दोपहर में तूने ही तो दिया था। अरे हाँ भूल गई थी, गलती से इसे ही चोर समझ कर इसके ऊपर ही चढ़ गई थी। सुनो मैडम, जाने अनजाने मुझसे भूल हो गई थी, बार बार मैं गलती नहीं करता। जब से मैंने तुम्हें देखा है प्रिया, मैंने चोरी करना छोड़ दिया। प्रिया आई लव यू। ओ माई गॉड, ओ किस मेंटल से पाला पड़ा है। चलो प्रिया आई लव यू। ओ माई गॉड, चलो जाओ। हम्म
ये कैसे पागल है। कैसे मार रही है। चलो साला, एक बार तुम्हारी पिटाई की समझ नहीं आ रही क्या? बार बार लात मारने की आदत पड़ रही है। सर, सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम्हें हराम का चाहिए सर? चलो मेरे साथ, तुमको मैं। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बार बार लात खाने की आदत पड़ गई है, मेहनत करके कमा नहीं सकते हो सालो। चोरी करेगा तुम्हें, नकल लेगा। बिंदु, तुझे बताता हूँ मैं। नीलम सर, इन सबको मैं ले आया हूँ। क्या है? आने दो, आने दो। साले को तो डरना पड़ेगा, तुम्हें बाद में देखते हैं। आओ आओ। फिर से चोरी की तुम लोगों ने? तुम लोगों ने मैडम के घर से सोना 5 लाख रुपए की चोरी की है। किसने चुराया है इज्जत से बता दो। शरारतों से लौटा दिया तो अच्छा है, वरना नरक नरक में भिजवा दूंगा। इज्जत से सच सच बता दो वरना। चलो सर, क्या बे पाप कमाल समझ रखा है, हैं? क्यों बे, कभी अंडरवेयर में चोरी करने जाते हो? ये लुंगी बनियाइन गले में रुमाल, तुम लोगों की खाल उखेल दूंगा। हे, ये शंकर, शंकर का बेटा है ना तू, हैं? बटन लगा, बटन लगा, लगा साले। मैडम, इन बदमाशों ने नहीं किया लगता है। मैं पता लगाकर माल मिला तो घर भिजवा दूंगा आपके। आप जाइए मैम। थैंक यू सर, आप एक बार मेरे घर आइए ना। जरूर आऊंगा। आप जाइए। ठीक है सर, चलती हूँ। हे, इधर आओ। सर छोड़ दीजिए, इस एरिया में हम नजर नहीं आएंगे अब। नजर नहीं आओगे तो हमारा क्या होगा? तुम लोगों को चोरी करते रहना चाहिए, तभी तो इस तरह की औरतें हमारे पास आती रहेंगी। समझ गए ना? नहीं नहीं साहब। समझ में आ जाएगा। आज रात को ठीक 10 बजे अभी जो आई थी उसके घर चोरी करने जाना होगा। सर जाना होगा, समझे? सर आउट। ऑटो 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 ऑटो। कहाँ जाए के भाई? माई PBS हॉस्पिटल। नहीं नहीं, रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? निकाल 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 निकाल। संभाल के, संभाल के, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आओ बहन। यस, डेट लिया क्या मैडम? चलिए, नाम एड्रेस बताइए। नाम क्या है आपका? तुलसी। एज? 25 साल। 5,000 रुपये जमा कर दीजिए। ये लीजिए सर। अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, अरे नहीं, रख लो आप। तेरा बहुत शुक्रिया। डिस्चार्ज होने के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। आंटी एक मिनट। हाँ बेटी। अभी जो गया है वो आपका कौन लगता है? वो कौन है क्या है मैं नहीं जानती बेटी, उसने मेरी बहुत मदद की, वो 100 साल जिए।
हेलो सर, मेरे घर पे चोर घुस आया, आप जल्दी से आ जाइए। फिर चोर आया था क्या? हाँ सर। ओके ओके ओके, जल्दी आइए सर। मैं आता हूँ जल्दी। प्लीज सर। ओके बिल्कुल आ रहा हूँ। फिर चले आ गए चोरी करने यहाँ पे, मना क्या सर? ताले ले जाओ लोगों को, चल बंद कर दो साले, अगल ठिकाने आ जाएगी सर। चलो अब तुम फिक्र मत करो, अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू सर, आप सही वक्त पे आकर बहुत बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिए। कौन कौन रहता है इस घर में? सर मैं और मेरे पति। कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? नाइट ड्यूटी में गए हैं। आपने खाना खाया क्या सर? नहीं, तुम्हारे साथ खाने का इरादा है। आइए सर बैठिए। चलो जल्दी चलो। अरे अरे ये क्या क्या? अरे जल्दी करो। बापरे अरे जल्दी करो, जल्दी उठा, जल्दी उठाओ, जल्दी उठा। अरे बापरे, हाँ अरे अरे ये मौसमी चुरा कर आ रही हो? नहीं नहीं हमने नहीं चुराया। अच्छा तो फिर ये बैग किस लिए? ओहो, बुक्स वाले बैग में मौसमी भरी जा रही है। चलो चलो प्रिंसिपल को बताता हूँ मैं। अरे अरे मत बताना प्लीज, मत बताना, हम लोगों ने मना किया था, इसी ने चुराया है, है ना? हाँ। ओह तो ये सब तुम्हारा काम है। चलो चलो मैं बताता हूँ। क्या हुआ, कौन सी बड़ी चोरी की हमने? हमने सिर्फ मौसम्बी ही चुराया है, तुम जैसे कोई बड़े चोर नहीं है हम। जी हाँ मैं बड़ा चोर हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अंदर कुछ बाहर कुछ। भैया किसी को मत बताना, बेइज्जती होगी, प्लीज भैया। बेइज्जती? और तुम्हें? ठीक है, इतनी सारी मौसम्बी का करोगी क्या? वो है ना, हम सबको ले जाके दुकान में देंगे, पैसा मिलेगा पॉकेट मनी के लिए, है ना? ओके, तुम लोगों को देखकर तुम पर तरस आ रहा है। तुम लोगों ने जो गलती की है उसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। आज के बाद प्रिया के साथ तुम दोनों कभी दिखाई नहीं दोगी, ठीक है ना? ठीक है भैया। चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो। तुम भी जाओगी? जी हाँ। तो फिर मुझसे शादी करोगी क्या, बताओ? मैं छोड़ दूंगा। मैं नहीं कहूंगी। तो फिर नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ आज के दिन उन लोगों के साथ जाने दो प्लीज। ओके।
जैसे दीवाना दिल, दीवाना दिल, वरना हम तो हार गए थे। दीवाना दिल, दीवाना दिल। बरसों के बाद मिला है जैसे दीवाना दिल, दीवाना दिल। सब उन हरामियों का काम है। अब मैं उन सालों को बताता हूं। ये लो प्रसाद। प्रिया, तुमने भगवान से क्या मांगा? भगवान से जो मांगते हैं वो किसी से नहीं कहते। कोई बात नहीं, बताना तो। नहीं, मैं नहीं कहूंगी। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। ओके ओके, बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझसे एक वादा करना होगा, ओके ना? एक क्यों, 100 करूंगा प्रिया। तुम आज से चोरी नहीं करोगे, मुझसे झूठ नहीं कहोगे, खाओ मेरी कसम। प्रिया, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। दोबारा वो काम मैं कभी नहीं करूंगा। I swear प्रिया, तेरी कसम। Thanks। आप तो बताओ कि तुमने भगवान से क्या मांगा, अब बताओ भी ना। मैंने भगवान से तुम्हें सुधार दे और हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए ये मांगा है। उस औरत का खून तूने किया है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर। नहीं किया?
तू और तेरे दोस्त वहाँ चोरी करने घुसे थे ना, अब यहाँ इसके साथ आग बिचौली खेल रहा है। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सही बोल रहा हूँ सर। जी हाँ सर, इसने वो काम छोड़ दिया है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम भी इसकी तरफदारी कर रही हो? ये जब चोरी करता था, खून करता था, तुम इसके साथ रहती थी? अब तुम दोनों को बताता हूँ, चलो। तुम एक इंसान हो, तुम में इंसानियत नहीं है, उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? हे मणि, तेरी आइटम तो अंगार है यार, इसके बदन में क्या गर्मी है, हाथ लगाते ही शौक लग गया। मुझे शौक देने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। ए, छुओ, छुओ मुझे, छुओ ना। सर, प्लीज सर, ले जाओ इसको यहाँ से। तेरे हाथ में कितना पावर है, सर, प्लीज। तेरे गाल में, तेरे होंठों में कितना पावर होगा? सर, प्लीज। पकड़ इसको। प्लीज सर, सर। रुक, रुक, मैं कहता हूँ रुक जा। तू रुक जा। अभी मैं बोल रहा हूँ, रुक, नहीं रुकेगी, रुक जा। अच्छे दिन आने से पहले ही बुरा वक्त आ गया मैडम। जो गुनाह उसने नहीं किया था उसके इल्जाम उस पर थोप दिए गए। जिस हाथ में ब्लेड थी उस हाथ में गन थमाने वाले हमारे डिपार्टमेंट के लोग ही थे मैडम। उसे ही अपना दोस्त समझकर, पुजारी का साथ देकर पूरे कानपुर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया और वो फंस गया मैडम। ओके सिद्धार्थ जी, मणि की डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आपने दी उसके लिए थैंक्स। मणि के बारे में मुझे और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगी। गंगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। यस, कौन? डीसीपी, मैंने कहा था ना मेरे लड़कों को छोड़ दो, अपनी जिंदगी से तुम्हें प्यार नहीं है क्या? डीसीपी, पुलिस की नौकरी छोड़कर किसी का हाथ थामकर ससुराल की राह पकड़ ले तो जिंदगी तेरी बख्श दूंगा मैं, और तुझे तरस खाकर छोड़ दूंगा। मरेगा तू या मैं ये तो वक्त ही बताएगा, हिम्मत है तो सामने आ वरना जिंदगी से हाथ धो बैठेगी तू, समझ गई ना तू? ए, तू कहाँ है रास्कल? मैं खुद आती हूँ। जरूर आऊंगा, तुझसे मिलने के लिए नहीं, तेरा काम तमाम करने के लिए। कान खोलकर सुन ले, लेकिन मणि, मणि के साथ खेलेगी तो बचने का कोई चांस नहीं। लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? हाँ मैडम, व्हाइट सिटी से सिग्नल मिल रहा है, लगता है वहाँ कोई नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, शायद वहीं से फोन किया है। कम ऑन, लेट्स गो। यस मैडम। Whoa!
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पुजारी भाई,
कौन है तू? मनी कहाँ है? मनी गहरी नींद में सो रहा है। ए, कौन है तू? गंगा, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तुम जलती हुई आग में हाथ मत डालो वरना जल जाओगी, ये मत भूलो। मौत को कफन बनाकर सिर में बांधने वाली गंगा को तू मारेगा? तुम्हें चिता पर लिटाए बिना मैं नहीं मरूंगी। ए, सपना देख रही है क्या? सपनों को किस तरह से हकीकत में बदलते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तेरी बस की बात नहीं है। ए पुजारी, पानी में रहने वाली मछली को तैरना तुमसे नहीं सीखना है, शेर के बच्चे को शिकार करना तू सिखाएगा क्या? काउंट योर डेज, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरे सीने में गोली उतारना ही मेरा मकसद है। पहले गन पकड़ना तो सीख लो। सरकार मुझे नौकरी देकर, कार देकर, कार देकर, कॉस्ट्यूम देकर चार लोगों की सिक्योरिटी दी है। तेरे जैसे छिपे हुए गिदड़ को शमशान तक पहुंचाने के लिए ही मैं आई हूँ। इलीगल गन रखने वाले तुझे इतना गुरूर है तो सोच लीगल गन रखने वाली मुझे कितना पावर होगा। तेरा सारा डिपार्टमेंट मेरी मुट्ठी में है, तेरा कुछ नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। पॉलिटिकल हो तो भी आ जा, भाई हो तो भी आ जा, अकेले में फेस टू फेस आ जा, तब मैं तुझे मानूंगी कि तू डॉन है। ए गंगा, थू, हरामी। गंगा हाय बच्चों, कैसे हो? हाय दीदी, कैसे हो? हेलो, हाय मंजिल, हाय हसीन। दीदी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज किसका जन्मदिन है पता है? किसका? मदर टेरेसा का। हम तो भूल ही गए थे। इट्स ओके, अब तो पता चल गया ना। आज उसी खुशी में तुम लोगों के लिए किताबें और मिठाई लाई हूँ। लो ये लो, ये लो बेटा, ये लो, ये लो, लो लो लो, पढ़ो, लो बेटा, लो 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 लो, तुम भी लो लो। तुम क्यों नहीं खा रही हो, क्या हुआ? दीदी एक सवाल पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो। दीदी सब लोग मुझे अनाथ कहते हैं, अनाथ यानी क्या? अनाथ यानी भगवान के बच्चे हैं। ये संसार ही एक आश्रम है, उसमें रहने वाले हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे लिए मैं हूँ। तुम सब अच्छे से पढ़ के बहुत सारे अच्छे काम करके इस देश का नाम और ऊंचा करना। क्यों बे साले, आज तक हमारे खानदान के सामने खाकी वर्दी वाली नजर उठाना तो दूर, बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ऐसे में मेरा छोटा भाई एक लड़की की इज्जत क्या लूट ली, तूने उसे गिरबान में हाथ डालने की जरूरत करी साले। ए, जब तक तू इस दुनिया में जिंदा है तब तक इस पलरी में कुछ देखा तो भी अनदेखा कर देना समझे, वरना खाने के लिए मुंह नहीं रहेगा और चलने के लिए पैर नहीं रहेंगे, समझ गया ना तू? लड़की, शराब, चुआ, ये सब हम साथ में लेकर पैदा हुए हैं बे, उसको रुकने वाला तू कौन होता है बे? आने का, खाने का और हड्डी लेकर के चुपचाप फुटने का बे, ये सब छोड़कर कोर्ट केस करके हमको धमकी दे रहा साले। ए, सभी कान खोल के सुन लो, यहाँ हमारा ही कानून चलेगा। यहाँ कोर्ट भी हम है, जज भी हम है और फैसला भी हम ही सुनाते हैं। हमारे इलाके में आके अगर तूने ज्यादा भौंकने की कोशिश की तो तेरे जिस्म से ये धड़ अलग हो जाएगा, समझा? ए कुत्ता नरसिम्हा। क्यों बे, क्या समझता है? तुम लोग अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश समझते हो या फिर तुम्हें पीटने वाला या रोकने वाला कोई नहीं है, ये समझा है क्या? तुम सबसे बड़ा एक ऊपर बैठा है, समझे क्या? अब तूफान से तुम नहीं बचोगे। ए पुलिस वाले, तेरी ए मुंह संभाल कर बात कर। पुलिस को क्या तुम लोग अपना बाप का नौकर समझे? सुअर के पिल्ले सुन, तुम सबको शमशान घाट पहुंचाने के लिए एक तूफान आने वाला है। तुम्हारे इस जंगल राज्य को बर्बाद करने के लिए बड़े ऑफिसर डीसीपी रामचंद्र जी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं।
तुम लोग की पैंट गीली होने वाली है। ए एसीपी, हमारे सामने तू इतनी जोर से बात कर रहा, तेरी माँ की है। ये जो तू कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ कोर्ट भी मेरा है और कानून भी मेरा है। अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा। ए, जो नमक खाता है वो पानी पीता ही है, जो गुनाह करता है उसे सजा मिलती ही है। गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाले तुम जैसे हरामियों के लिए कानपुर में मेरे जैसा एक शेर ही काफी है, समझे हरामियों? माँ बहन की इज्जत से खेलने वाले तुम लोगों को ऊपर पहुँचाने के लिए ही मैं इस कानपुर में आया हूँ। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। हमारे हाथ में गुंडागर्दी है, पॉलिटिशियन है, ये कहकर उछलोगे तो चिता चिता तैयार कर दूंगा सबके लिए। हरामियों, तुम लोग गरीबों को परेशान करने वालों में से हो, तो मैं शेर से लड़ने वालों में से हूँ। कानून क्या होता है, हिफाजत कैसी होती है, सजा क्या होती है, ये सब दिखाने के लिए ही कानपुर में आया हूँ। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है कार्टून स्टोरी, अब तुम पढ़ोगे पुलिस की खेली हुई खून की होली का हर एक पन्ना। ए, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जीने की राह सिखा दूंगा, वरना शुरुआत तो तुम्हारे बाप से हुई है, अंत तो मैं ही करूंगा, संभल जाओ। ए डीसीपी, ए क्या रे तू फिर से बोलने लगा, चल मैं बता रहा हूं तुझे, छोड़ दे उसे, पछताएगा तू, मैं बोल रहा हूं। ए डीसीपी तू रुक रुक। ए ऑफिसर, तुम किसको उठा लाए हो ये तुम्हें पता है? नरसिम्हा रेड्डी का भाई रामा रेड्डी को। उसका नाम सुनते ही पूरा कानपुर का इलाका थर थर कांपने लगता है। ऐसे में तुम उसी के घर में घुसकर उसी को उठा लाए, वो भी मारते हुए? अब सिर्फ मारूंगा नहीं सर, उसने जो काम किया है उसे पब्लिक के सामने ले जाकर उसका सर मुंडवा कर गधे पर बिठा कर गली गली घुमाऊंगा, तभी उसके होश ठिकाने आएगा। ए, तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तेरा हायर ऑफिसर एसपी बोल रहा हूँ, इज्जत से बात करो, चुपचाप उन्हें छोड़ दो।
कानून की हिफाजत करने के लिए तुम जैसे गधों की जरूरत नहीं। सरकार की नौकरी को ईमानदारी से निभाने वाला मुझ जैसा पुलिस ऑफिसर है, उसकी फेंकी हुई जूठन को चाटने वाला होगा तू। तू मेरा सीनियर कैसे हो सकता है? लगता है तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, इसलिए ऐसा बक रहा है। पुलिस में भर्ती होते ही मैंने अपनी जिंदगी फर्ज के लिए दान में दे दी थी। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तुम उनके तलवे चाटना छोड़ दो, वरना जी भी नहीं सकेगा मर भी नहीं सकेगा, जिंदगी भर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगता ही रह जाएगा, समझा? तुम उसे छोड़ोगे या नहीं? FIR लिखकर मैंने उनकी चार्जशीट तैयार कर दी है। उन कुत्तों में अगर हिम्मत है तो उसे कोर्ट में आकर छुड़ा लो। मुझे वो सब नहीं सुनना है, पहले मेरी बात सुन। 24 घंटे के अंदर वो इस जिले में दोबारा नहीं दिखना चाहिए, उसका ट्रांसफर हो ही जाना चाहिए, समझा? भैया वो SP आया हुआ है, कहो तो अंदर लेके आऊं, नहीं तो बाहर ही रोकूं। उसे अंदर भेज दो। ठीक है भैया। माफ करना भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हमें लफड़ा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, कल कोर्ट में उसकी जमानत। हमारे खानदान में कोर्ट तो दूर, पुलिस स्टेशन के चौखट तक कोई नहीं पहुंचा है। वो चाहता कि बेल के लिए मैं कोर्ट आऊं, इसलिए उसको बुलवाया है। नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया, वो यहाँ ट्रांसफर पर आया है। अबे तो उसे यहाँ से उठाकर कहीं और फेंकना। थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए सर, अब जहाँ बोलेंगे वहीं ट्रांसफर करा देंगे सर। तब तक तेरे घर वालों का भी क्रियाक्रम हो जाएगा, समझा? सर प्लीज। हे SP, तू बोलता रहे और मेरा भाई नाचता रहे, कोई छोटा भेड़ का बच्चा है क्या? अबे शेर है वो, बब्बर शेर। जानता हूँ सर, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए सर, कल शाम को आपका भाई वापस आ जाएगा। ए, नहीं तो जहाँ उसे भेजना है वहाँ तुझे भेज दूंगा, समझा? हे DCP, तुम मुझे ले जा रहे हो, अगर ये बात बल्लरी के लोगों को पता चली तो तुझे तेरी जीप के साथ जिंदा जला देंगे। क्यों तू अपने आप का दुश्मन बना हुआ है? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अच्छा तुझे यहाँ के लोग देख लेंगे? ए, इसके मुंह पर जल्दी नकाब डालो रे, इसे कोई देख ना ले, गवर्नमेंट की जीप को आकर कोई आग ना लगा दे, इसीलिए इसको छुपा कर ले जा रहे हैं। ए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे ये नकाब पहना कर कहाँ ले जा रहे हो? ए, DCP। DCP, तुमने जीप क्यों रोकी? आओ आओ बताता हूँ। इसे नीचे उतार के लाओ। छोड़ो, अरे मुझे नीचे क्यों उतार रहे हो? सीनरी दिखाने के लिए। बताओ तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, समझ में आ जाएगा, जल्दी आओ बताता हूँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वहाँ सबके सामने छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए तुमको यहाँ लेकर आया हूँ, और देखो अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चलो भागो भागो। ठीक है मैं भागता हूँ, भाग भागो भागो। तेरे जैसे मेकर्स की वजह से सैकड़ों जाने जा सकती है, तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो कानपुर सुकून से रह सकता है। कोर्ट का टाइम हो गया है, नरसिम्हा रेड्डी का भाई को कोर्ट ले आओ। सर मैं उसे कोर्ट में ही लेकर जा रहा था, तो वो बीच रास्ते में ही जबरदस्ती भागने की कोशिश कर रहा था, मेरे समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने उसका एनकाउंटर कर दिया। ACP, उसे मैंने पहले ही कहा था, शुरुआत तो उसके बाप से हुई थी, अंत मैं ही करूंगा। उसी तरह मैंने उसे ऊपर भेज दिया। बाय। ACP, हाय बच्चों। हाय अंकल। आओ बच्चों। तुम लोग ठीक हो ना? आओ आओ इस तरफ। तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है, और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ओह फाइन, तुम अच्छी तरह से पढ़कर बड़े होने के बाद शिक्षित होकर मुझ जैसा बड़ा ऑफिसर बनना। जीने का एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या समझ गए ना? हाँ सूर्य प्रकाश जी, जी जीप से वो स्वीट्स और फ्रूट्स लेकर आओ। ओके सर। क्यों गंगा, तुम मन लगा के पढ़ रही हो ना? जी हाँ अंकल, मैं भी अच्छी तरह पढ़ लिख कर आपकी तरह बड़ी ऑफिसर बनूंगी। वेरी गुड। हाँ हाँ बच्चों, तुम सबके लिए स्वीट्स लाया हूँ, जानते हो ये क्या है? लड्डू है। लो लो ये लो, सब लोग खाना, सब खुश रहना, हमेशा मुंह मीठा करते रहना, चलो ले लो। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? अंकल सभी लोग हमें अनाथ बोलते हैं,
हम अनाथ कैसे बनते हैं? हम ही नहीं, पूरा संसार ही एक आश्रम है। इसमें सभी उस भगवान के बच्चे ही हैं। तुम लोगों का कोई भी नहीं है ऐसा कभी नहीं सोचना। यहाँ पर सभी बच्चों के लिए मैं हूँ ना। ओके हाँ, अच्छे से मन लगा कर पढ़ना। ओके अंकल। हाँ जाओ बेटा, बाय बाय। जिस दिन ये बच्चे बड़े होकर कोई क्रांतिमान काम करेंगे तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। कभी कभी मेरा अकेलापन मुझे सताने लगता है, तभी आश्रम में आता हूँ। यहाँ आकर मेरे मन को सुकून मिलता है। हे, उस एसीपी की अस्थियां बहाने के लिए उसकी हड्डियों का भी एक भी टुकड़ा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मारो कानपुर का हर एक पुलिस वाला हमारा नाम सुनते ही खड़े खड़े पैंट गीली हो जाए। दोबारा इस कानपुर में किसी भी पुलिस वाले की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सबको काट डालो, जाओ। ठीक है भैया। ठीक है भाई। कौन है इस वक्त? हेलो एसीपी, उठ जाओ, क्योंकि किसी भी सोए हुए आदमी पर हमला करना हमने सीखा नहीं है, इसीलिए तेरे जागने तक मेरे आदमी तेरी रखवाली करते हुए तेरे ही घर में बैठे हैं। अब तेरा टाइम खत्म हो गया है, मरने के लिए तैयार हो जा, समझा? उठ गया साला। आ जाओ आ जाओ।
तू मुझे मारने के लिए 20 आदमी को भेजा था? सिर्फ 20 ही नहीं, 200 200 आदमी भेजता तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ, यह खून खराबा आज ही बंद कर दो। बिजली चिंगारी मिल जाए तो आग की बारिश होगी, उसी तरह पुलिस और पब्लिक एक हो जाए तो शुरू होगा रावण राज्य नहीं राम राज्य। मेरे राज्य में तुम लोगों के राज्य को कभी नहीं चलने दूंगा, मुझे मेरी माँ की कसम। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। सबूतों को ढूंढते हुए गुंडों को पुलिस स्टेशन से कोर्ट में, कोर्ट से जेल में ले जाकर उनकी रखवाली करने के लिए ये खाकी नहीं पहनी है, गरीबों का दुख बांटने के लिए ही ये वर्दी मैंने पहनी है। तुम लोग ये अपनी गुंडागर्दी खत्म करके चुपचाप घर में बैठ जाओ। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ कहा कि मेरे हाथ में MLA है, MP है, CM है, PM है कहकर नौटंकी करोगे तो तुम लोगों की मैं चीता जला दूंगा। हरामखोरों, मैं तुम सबको जल्द से जल्द कोर्ट में ले जाकर फांसी पे लटका दूंगा। तुम्हारे सारे काले कारनामों को मिट्टी में मिला दूंगा। तुम्हारे सारे धंधे को ताला लगा दूंगा। जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। तुम लोगों को मैं जल्द से जल्द जेल में डालूंगा। ये मेरा चैलेंज है। ये तो बहुत बोल रहा है, इसकी बोलती बंद करनी पड़ेगी। हाँ ओके ओके, पूछो पूछो, एक एक करके पूछो, साथ में पूछोगे तो कैसे चलेगा। हाँ तुम्हारा सवाल क्या है? सर शहर में जो भी गुंडा राज चल रहा था वो तो आपने खत्म करवा दिया, लेकिन गुनहगार कौन है सर? और सर ये बताइए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है सर? इस सब के पीछे किसका हाथ है इसका फैसला कोर्ट करेगा। इसका मतलब है आप नरसिम्हा और उनके भाइयों पर एक्शन लेने वाले हैं? डेफिनेटली, सिर्फ नरसिम्हा ही नहीं, यहाँ जंगल राज चलाने वालों में से जिस किसी का भी हाथ हो उन्हें मैं सजा दिलवाऊंगा, चाहे वो जो कोई भी हो। अगर आपको जान का खतरा हुआ तो? खतरों से अगर मैं डरता तो पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ज्वाइन ही नहीं करता। क्या सबूत है इसमें नरसिम्हा का हाथ है? बिना सबूत के कोई भी काम नहीं करता, यह DCP रामचंद्र। मान लो जो आप कर रहे हैं वो गलत साबित हुआ तो क्या करेंगे आप? कानून बना है समाज की सुरक्षा करने के लिए, ऐसे में जो कानून के हित में काम करेगा वो कानून की नजर में गलत कैसे होगा? सर पब्लिक जो कह रही है वो क्या गलत है? ऐसा होने नहीं दूंगा। 24 घंटे के अंदर उसे और उसकी टीम को कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, जेल की सलाखों के पीछे धकेल दूंगा। कल तक तो वो समाज सेवक थे सर, आज आप उसे मुजरिम कह रहे हैं? जो इस देश में गैर कानूनी काम और खून खराबा करता है वो समाज के सेवक नहीं है, वो समाज के दुश्मन है। तो ये आपका आखिरी फैसला है सर? जी हाँ, इंसान से गलतियाँ होती है, उस गलतियों को सुधारने का मौका मैं एक बार देता हूँ। बार बार वही गलतियाँ जो दोहराता है तो फिर मैं मौका नहीं देता हूँ, डायरेक्ट वार करता हूँ। हेलो अंकल, मैं बोल रही हूँ गंगा। हाँ गंगा बोलो बेटा, क्या हुआ बेटा, खाना खाया है क्या? खाना तो खाएगी, लेकिन तेरे श्राद्ध का। कौन हो तुम? शेर, बब्बर शेर नरसिम्हा। ए एसीपी, जिस बच्चे को तू पाल रहा है ना, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जा कुत्ते। हेलो बिल्कुल टाइम पे सही जगह पर मौत को गले लगाने के लिए पहुंच गया, इसका मतलब तेरी मर्दानगी को दाद देनी चाहिए। hey! मर्दानगी मुझ जैसे वीरों के पास ही होती है, मुझसे मिलना चाहते थे एनी टाइम एनी डेट एनी स्पॉट, इसी तरह मैं अकेला ही आता हूँ। लेकिन तू तो एक बच्ची की जान को ढाल बनाकर खेल खेल रहा है ना मर्द। वर्दी पहनकर किसी एक इलाके का पुलिस वाला बनकर तुझे इतना रुआब है तो फिर हमारे हाथ में पूरा स्टेट है तो हमें कितना रुआब होना चाहिए? इन सारे कुत्तों को पालकर भौंकने से तो कोई बहुत बड़ा डॉन नहीं बन गया है, अगर सही मर्द है तो इन कुत्तों को छोड़कर जंगल के शेर भी पाल ले, तभी तेरे साथ फाइट करने में मजा और भी आएगा। हाँ, मौत के सामने होते हुए भी मौत से डरे बिना मौत से आंखें लड़ाने वाला तू, मौत का डर क्या होता है ये तुझे अभी दिखाता हूँ ACP। मौत मेरी नहीं आई है, तुम लोग की आई है, शुरुआत तुम्हारे बाप से हुई है, इसका अंत मैं करूंगा।
तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बनोगी, ऐसा मुझे वचन दो। तुम बड़ी ऑफिसर बनके बाद में इन शैतानों को जेल के अंदर डालना, ये मेरा आखिरी सपना है। नहीं अंकल, नहीं अंकल, अंकल। ओके बच्चों, तुम सब अच्छे से पढ़कर रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल कलाम, किरण बेदी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा जैसा बहुत नाम कमाकर लोगों के बीच में आदरणीय बनो, देश की एक सच्चा नागरिक बनो। मैं फिर आऊंगी। अच्छा, शेट, यस साधु, डोंट वरी यार, मेरा बड़ा ट्रक मिनी टेम्पो बन गया, इस बात की तू फिकर मत कर यार। साधना करने वालों के लिए साधना ही अहम चीज है, गाड़ी चाहे कोई भी हो, बिकॉज यू आर नॉट अ जस्ट साधु, साधु महाराज की जय। बोलो बोलो जय। ये क्या जी, बड़ी गाड़ी हो कि छोटी गाड़ी हो गई? वो क्या है कि तेरी आंखों का साइज बड़ा छोटा है, इसलिए तुझे बड़ी गाड़ी छोटी लग रही है। इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि तेरी बड़ी गाड़ी जाकर छोटी कैसे हो गई? क्या करूँ, आज पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी के पार्ट्स बेचकर छोटी गाड़ी खरीद ली। इसलिए मैं कह रही थी गणपति जी की फोटो तुम यहाँ लगा दो। तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो? ए छमिया, चल निकल यहाँ से, निकल ना। भाई दीदी इतना कह रहे हैं तो धागा बनवा लो ना। ए क्या धागा बनवाऊं, चल जाके सफाई कर, सफाई कर। अगर विश्वास नहीं तो ये धागा मैं बनवा लेता हूं। धागा बनवाएगा? ए अंधविश्वास रखने वाला कोई भी शख्स हमें नहीं चाहिए। इज्जत से काम नहीं कर सकते तो काम छोड़ दो, छोड़ दो। भाई जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, और आज तुम ही कह रहे हो नौकरी छोड़ के जाने के लिए। अच्छा हुआ दीदी धागा बंद हो। स्विमिंग पूल में तैरने वाला लड़का नहीं हूँ भाई, सुनामी से टकराने वाला लड़का हूँ भाई। चलता हूँ। अबे अपनी बहन के गले में बांध के साथ में ले जाना बे। Excuse me. Yes. भाड़े पर मिलेगा? किसके बारे में तुम कह रहे हो? मेरा मतलब गाड़ी से है। वो नहीं आएगा, मैं चलाऊंगा तो ही चलेगा वो। वो मैं भी जानता हूँ, हम लोग रिच पर्सनालिटी वाले हैं, हम वाटर का बिजनेस करते हैं। वाटर या क्वार्टर? मैंने तुम्हें कहीं देखा है? अरे इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले सात लोग होते हैं, फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा तो एक ही मकसद है,
मेरे देश में हर कोई मिनरल वाटर पिए, यही मेरा सपना है। तुम चलोगे या नहीं? चल रहा हूँ ना सर, गाड़ी तो होती किराए पे देने के लिए, चल रहा हूँ मैं। गाड़ी बनी आपकी सेवा के लिए, चलिए सर, आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। वो सब छोड़ो, भाड़ा कितना लोगे? देखिए साहब, आप तो ऑफिसर लग रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता सर। आप समाज सेवा कर रहे हैं इसलिए आपको ये गाड़ी फ्री है सर। आपसे मुझे कोई किराया नहीं चाहिए सर। आइए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। ठीक है, come on guys, move, come on, let's go. मिर्ची कहीं और भेजा, चल निकल यहाँ से, टाइम खोटी मत कर, चल निकल। चलो बैठो बैठो, come on, निकल। कहाँ से चले आते हैं बिजनेस खराब करने के लिए, आइए सर बैठिए ना सर। सर आपकी कंपनी का नाम क्या है सर? KS International. KS International. सर ठंडा होलसेल में या रिटेल में सर? वो वक्त के हिसाब से, बैरल के हिसाब से, बोतल के हिसाब से सर? क्वार्टर के हिसाब से। ओ क्वार्टर के हिसाब से सर, 60 का या 90 का या 100 का? बैग सिस्टम, कुछ भी कहो सर। आप जैसी पुण्य आत्मा की वजह से ये समाज ठीक चलता है सर। गरीब लोग जीते रहते हैं, आप जैसे लोग महान है सर। आप महान हस्ती है सर। बिल्कुल सही। अरे पुलिस के, अरे सर पुलिस, आप जरा उनसे बात करिए ना सर। नहीं नहीं नहीं, तुम ही जाकर बात करो। अरे आप बड़े आदमी है सर, आप पुलिस से बात करिए ना, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे नहीं हां छोड़ो, अरे छोड़ो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है सर। चलो भागो, भागो। ए कौन थे वो लोग, हमें देखते ही क्यों भाग गए? सर वो लोग वेल ऑफिसर पर्सन है सर, आपको देखते घबरा कर भाग गए। तुम्हारी स्टोरी हमें नहीं सुननी है, सामान क्या है हमें चेक करना है। कुछ भी नहीं सर, वो तो केएस कंपनी का। चुपचाप चलते हो या नहीं? आओ सर, देख लो सर, देखो सर, मिनरल वाटर है सर, मिनरल वाटर, चेक करने दो। चेक करो, इंटरनेशनल कंपनी का है सर। क्या सर पीकर वर्टी पहनी सर है? ये शराब है। क्या बात कर रहे हो? देसी भट्टी की शराब है। देसी भट्टी की शराब? अरे माँ, पिछली बार तो मैं चल भी पा रहा था, इस बार तो इन लोगों ने मुझे अपाहिज। अबे क्या जरूरत है तुझे इस तरह का काम करके, पुलिस स्टेशन में आके हनुमान बन जाता है बार बार। तुम समझेगा नहीं, मुझे समझ नहीं पा रहे हो सर। मैं क्या करूं सर, मैं जो भी काम करता हूं सीधे तरीके से ही करता हूं, सब करेक्ट ही करता हूं, लेकिन तुम्हारे लोगों ने मुझे गलत समझकर जी भर के मार के रोबोट की तरह बना दिया है। क्या बे भगवान, मेरा टेम्पो कहाँ है भगवान? अबे वो देख, वहां पड़ा है ना कुछ पार्ट्स। इस बार सिर्फ पार्ट्स ही बचे। भगवान, सलाम भाई। कैसे हो रफीक, कैसा चल रहा है? आपका आशीर्वाद है भाई। मेरा आशीर्वाद तो तेरे सर पर हमेशा है, वो छोड़ो। सुना है आजकल कोई लड़की बहुत नाम कमा रही है पुलिस डिपार्टमेंट में। भाई उसका नाम गंगा है, बहुत कड़क पुलिस ऑफिसर है भाई। वो हो ऐसा है क्या? भाई छोड़ो, आप सब कुछ मैं संभालूंगा। भाई हम दोनों अगर मिल गए तो पूरा बैंगलोर हम लोगों का होगा भाई। उस दिन तो बहुत बौंक रहे थे ना फोन पे, याद है ना? भाई अनजाने में मुझसे भूल हो गई भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई, उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली थी भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई। फोन में दहाड़ने वाला तू आज सामने आकर कुत्तों जैसा क्यों कांप रहा है? हमारी फील्ड में एक सामने से एक पीछे से नहीं चलता है, ऐसा करने नहीं, वाले को भाई प्लीज डायरेक्ट कूड़ा देना चाहिए। नहीं भाई प्लीज, ऐसे ये बेंगलोर हमारा नहीं, मेरा है। No!
ओह, एमिली के बेटे हो क्या तुम? ए! इसलिए तुम्हें घमंड? तुझे मैं इस तरह ले जाऊंगी तो सही नहीं रहेगा। लड़कियों के कपड़े उतारने में तुम बहुत माहिर हो ना? ए, चल उतार कपड़े, चल उतार। टेक हिम टू कस्टडी। सब लोग कान खोल के सुन लो। कॉलेज एक मंदिर की तरह है। यहाँ आते हैं विद्या का ज्ञान पाने के लिए। पढ़ लिख के बड़े होके बड़े कीर्तिमान काम करो, उसे छोड़ के इन्फ्लुएंस है करके बेहुदा नाटक करोगे। कल तुम लोगों का भी यही हाल होगा। एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो या पीएम हो, कानून सबके लिए बराबर है। उसे कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे शूट कर दूंगी। सर, मिस गंगा, तुम्हारे घर में ब्लैक मनी छुपा के रखी है, हमें सर्च करने का परमिशन चाहिए। मेरे घर में ब्लैक मनी? आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। गलत है या सही है कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इस ओपन ऑफिसर्स, यू कैन सर्च। कम ऑन, सर्च करो ऑफिसर। ऑफिसर, ये क्या है? हाँ, ये मेरा नहीं है, ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। तुम्हें जो भी कहना है कोर्ट में कहना। ऑफिसर, कस्टडी में ले लो। चीयर्स। ये सब आप ही ने किया है, उसे नहीं पता है भाई। या उसकी कहानी खत्म होनी चाहिए बस। डोंट वरी बॉस, मैं कोर्ट में कल ऐसे वकालत करूंगा जब साहब के पास और कोई चारा नहीं रहेगा उसको जेल भेज देंगे, देख लेना। ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, उसे जेल के अंदर सड़ते हुए देखना है, तभी इस भाई के दिल को ठंडक मिलेगी। सब मोह माया है, शिव तेरी माया है, तेरी माया। ए भगवान। अबे तू, अबे तू कार में कार का क्लीनर बन गया? नहीं, मैं ओनर हूँ, वो मेरा ड्राइवर है। क्या बे, तू इस गाड़ी का ओनर है? ड्राइवर भी रख लिया तूने? अरे मेरे लाल, कुछ दिन पहले तक तो तू मेरी गाड़ी पे कुत्ते की पिल्ले की तरह बैठा करता था और अब मुकेश अंबानी की तरह आसमान में उड़ रहा है बे। अरे मेरे लाल, कैसे किया तूने ये सब, बता दे कैसे किया? उस दिन दीदी ने जो धागा बांधा था उसके बाद मैंने एक गाड़ी खरीदी। क्या बात कर रहा है? आज मेरे पास 10 गाड़ी है, खाली डिब्बा बोतल बेच रहे हो। बात करता हूँ, मान लो भाई हूँ, विश्वास होना चाहिए तुम्हें। हाँ ठीक है, विश्वास ही भगवान है, चलता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, घर आऊंगा तो कॉफी वॉफी पिलाओगे ना? अभी घर आओ, बॉर्नविटा पिलाता हूँ। नसीब बदलने का इंतजार करते रहना चाहिए, बदलने के बाद उसे संभालने के लिए हैसियत भी तो होनी चाहिए आदमी की। ए जी, अब समझ में आया ना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अब तो मेरे कहना मान लो, जिंदगी आराम से कटेगी। सुना है हर कामयाब के पीछे एक औरत का हाथ है, तू भी तो एक औरत है। क्यों, कोई शक है क्या? थोड़ा सा डाउट है मुझे। कल तक मैं कहती थी ये बांध लो वो बांध लो, आज के बाद नहीं बोलूंगी, क्योंकि तू ही बांध दे। क्या बांधू? मंगलसूत्र। किसको? मुझे। थोड़ा पासा, अभी तक जो भी किया नशे में किया, अब असलियत में कर दूंगा मोटी। भाग यहाँ से। देखो, आज फैसला हो जाना चाहिए, एक तो तुम ये धागा बांध लो या फिर मेरे गले में ये मंगलसूत्र बांध लो। मैंने भी कुछ डिसाइड किया है मोटी। वो क्या है कि क्या है? इतना बलखा मत मोटी, चुपचाप खड़ी रहे। तो मैं एक बंधवा लूंगा और दूजा मैं रख लूंगा। बिना रीत रिवाज रस्म के सेज सजाओगे? दोनों बात एक ही है, सबको आंखें बंद कर लो, आ जाओ मेरी प्यारी, आ जाओ। योर ऑनर, शहद के छत्ते के पास जो जाएगा वो चक के तो देखेगा, उसी तरह, ठीक उसी तरह पुलिस वाला पैसे के पीछे नहीं भागेगा, ऐसा हो सकता है? डीसीपी गंगा एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है, इन्होंने बहुत बहादुरी से गुंडों को पकड़ा, ये हम फक्र से कहते हैं। इनकी खबर टीवी और अखबार में रोज आती है, लेकिन अभी जमाना बदल गया है। जिस ऑफिसर पर हम सबको गर्व था वही मुजरिम के कटघरे में खड़ी है। सिर्फ बच्चों से और गरीबों से नहीं, ये सबसे रिश्वत लेती है।
नहीं तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? खाकी पहनकर कानून के नजर में धूल झोंककर इतनी बड़ी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर मुजरिम की तरह इस कटघरे में खड़े होते हुए देखकर मैं क्या बोलूं योर ऑनर, मुझे हंसी आ रही है। देखा आपने कितनी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। बच्चों से और आम जनता से ऐसे ऑफिसर्स को दूर रखना चाहिए, ऐसी विनती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। नो योर ऑनर नो, मैं भगवत गीता में हाथ रखकर कसम खाई हूँ, सच बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं। योर ऑनर, सच्चाई को मारकर इस 21वीं सदी में हर गली गली में, हर मोहल्ले नुक्कड़ में सूरज की रोशनी से चमचमाता हुआ चापर तलवार पिस्तौल के बल पर गरीबों के खून बहाने वाले मवालियों के गुंडे राज को खत्म करने के लिए मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ। लेकिन आज वही डिपार्टमेंट गुंडों के पैसों वालों के चंगल में फंसकर मुझे ही अपराधी साबित करने पे तुला है। देश से बाहर बैठकर भौंकने वाले कुत्तों को मुझ जैसे ऑफिसर पर हमला करने का मौका दिया गया है। सच्चाई को मारा जा रहा है। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ कहकर आप लोगों ने मुझे जो मेडल दिया था वो सच्चाई का प्रतीक बने या झूठ के गले का शोभा, ये फैसला आप ही कीजिए योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, गंगा सच्चाई को झूठा साबित कर रही है। मिस गंगा, तुम्हारी तरफ से वकालत करने के लिए कोई वकील है क्या? सच को सच कहने के लिए किसी लॉयर की क्या जरूरत है योर ऑनर? तुम्हारी सलाह कोर्ट मानने को तैयार नहीं है, वकील है या फिर नहीं? मैं हूँ योर ऑनर। डीसीपी गंगा की तरफ से मैं केस लड़ूंगा, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड योर ऑनर। ये केस इस वक्त क्या रूप लिया इस बात की कोई मायने नहीं है, क्योंकि सर सबसे पहले डीसीपी गंगा को उनके घर में मिले हुए पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ये अनाथ हैं, तो इन्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है योर ऑनर? सरकार की नौकरी को भगवान की नौकरी मानकर ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने वाली का ऑफिसर को झूठ मूठ के केस में फंसा कर आप कानून का मुंह काला कर रहे हैं। न्याय को अन्याय के हाथों बलि चढ़ा रहे हैं। आज तक डीसीपी गंगा के बारे में पूरे शहर के लोग अच्छा ही कहते आए हैं, इसलिए काले धंधे करने वाले लोग इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए डीसीपी गंगा का इस पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है, ये निर्दोष है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सच्चाई को झूठा साबित कर रहे हैं मेरे फाजिल दोस्त। ये झूठ नहीं सच है। सच्चाई को साबित करने के लिए सबूत है? सबूत के बिना मैं कोई केस हाथ में नहीं लेता सत्यप्रकाश जी। योर ऑनर, परसों रात में मैं केस के सिलसिले में डीसीपी गंगा से मिलने उनके घर गया था, पर ये घर में नहीं थी। तब मैंने वहां देखा कि उस रात की घटना के सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश करता हूं, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि डीसीपी गंगा का उस काले धन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुल्जिम के कटघरे में खड़ी हुई मेरी मुवक्किल गंगा का इस केस से कोई संबंध नहीं है, वो निर्दोष है, उसे बाइज्जत बरी किया जाए योर ऑनर। सारे सबूतों पर गौर करने के बाद डीसीपी गंगा ने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है, ये साबित हो गया है, इसीलिए ये अदालत डीसीपी गंगा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सर। झूठ के बवंडर में फंसकर, अन्याय के हाथों में फंस रही थी, मुझे इससे बचाकर फिर से अपना फर्ज निभाने के लिए कानून पर विश्वास दिला दिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा एहसान मैं भी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं आपको जानती तक नहीं, ऐसे में एहसान कब किया? वो मैडम, आपने कुछ दिन पहले एक लड़की की इज्जत बचाई थी, वो और कोई नहीं मेरी बहन थी, इसलिए मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आपके घर गया था। उस दिन ये दुर्घटना घटी, इसलिए केस मैंने अपने हाथ में ले लिया। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए था। ये कुत्ते भेड़िए गरीबों के मुंह से निवाला छीन कर खा रहे हैं, ऐसे कुत्ते भेड़ियों का शिकार होना चाहिए, अन्याय के हाथ से न्याय को बचाना ही चाहिए। बिल्कुल सर, बरसों से आग मिचौली का खेल खेलने वाले पुजारी को अब असली ठिकाने पर पहुंचाने का वक्त आ गया है।
आई विल किल दैट पुजारी। एनीवे गुड लक मैडम। थैंक यू। पुलिस के बदन में वर्दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे ऊपर रौब जमाए। किसी और का गुनाह मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ए कमिश्नर, ये ऑफिसर आने से पहले सब कुछ सही चल रहा था ना, हैं? पूरे शहर में शांति थी ना, लेकिन अब दिन बे दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। आजकल गली गली में लूटपाट, खून खराबा, रेप, चोरी चकारी हर दिन हो रहा है। हम जनता की प्रतिनिधि है, हम क्या जवाब देंगे? चुप क्यों बैठे, कुछ तो बोलिए। जैसे आप लोग समझते हैं वैसा हमारा डिपार्टमेंट खामोश नहीं बैठा है। वैसे भी मिस गंगा एक काबिल ऑफिसर है और पुजारी को तुरंत अरेस्ट करना ही हमारा डिपार्टमेंट का लक्ष्य है। ओ कमिश्नर साहब, आप ही क्यों कहे जा रहे हैं, इन्हें भी कुछ कहने दीजिए ना। क्या बात करूं मैं, हैं? क्या बात करूं? तुम लोगों के किए हुए कामों का निंदा करो या तुम लोगों की जुबान गंदी है ऐसा कहो? ये मर गया, वो मर गया, ये मर गया, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। डिपार्टमेंट में किसी को कोई तकलीफ हो गई, ये किसी ने पूछा क्या? क्यों, हम लोग कोई इंसान नहीं है क्या? पब्लिक के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंची, जनता सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट को फोन करती है। तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट हमारे हाथ के नीचे है। आई नो, बट ये भी याद रखो, पुलिस किसी की गुलाम नहीं है। हम लोग डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हैं देश की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए, तुम्हारे घर की रखवाली करने के लिए नहीं। माइंडेड किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए पहले ये सीखो तुम। तुमसे हमें ऐसा कुछ भी नहीं सीखना है, सब सीख कर ही आई हूँ। तुम्हारे कहे जैसा हम नहीं सुनेंगे, हमारे कहे जैसा तुम्हें सुनना होगा। तुम्हारे कहे हुए जैसा सुनने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूँ और सप्लाई करने वाला प्योन भी नहीं हूँ, पुलिस हूँ। उस कोर्ट से भी बढ़कर हो तुम। एक खून करने वालों को कोर्ट सिर्फ 14 साल की सजा सुनाती है, वो भी वाद विवाद के बाद। बट गंगा, नो टाइम नो डिस्कशन ओनली एनकाउंटर। तुम सब अपनी गलतियों को सुधार कर जनता की सेवा करोगे तो ठीक है, या फिर एक ही गलती आप लोग बार बार करते रहोगे। आप लोगों को माफ करने के लिए ना ही मैं कृष्ण हूँ और ना ही आप लोग शिशुपाल हो। आप लोगों को मैं समझा नहीं रही हूँ, वार्न कर रही हूँ। नहीं तो तुम क्या करोगी? नाउ ऑनवर्ड नो स्पीच ओनली शूट आउट। सॉरी सर। She's not gonna be the easy one. You better beware. She's a super cop. We break, break, break you down. We'll make you pay for your every wrong. Can't turn away, you can never hide. Before I just sing, yeah, you decide. She's gonna be there for you to find. You to find. Here comes the lady boss. Here comes the lady boss. Go!
हा, 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 हा,